Hello, dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. R.K. Saini and today I am going to discuss reaction intermediates in organic chemistry. तो फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको कहते हैं. जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कुछ अनस्टेबल शॉर्ट लिव्ड बट एग्जिस्टेंस स्पीसीज आर देयर, दीज आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. दे आर फॉलोइंग टाइप, नेमली कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्ब एनायन, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, एंड एस दीज आर सिक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर देयर. अब मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कार्बन फ्री रेडिकल को. एक बार नेमिंग नोट कर ले, फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बेटाइन भी कहते हैं, कार्बेन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन. फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस कार्बन फ्री रेडिकल. तो समझिए, देखो पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट, व्हेन होमोलेटिकल फिजन टेक्स प्लेस ऑफ द बॉन्ड एसोसिएटेड विद कार्बन, मे बी विद कार्बन कार्बन और विद अदर एटम, व्हेन होमोलेटिकल फिजन टेक्स प्लेस ऑफ द बॉन्ड देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स. देखो ध्यान से, सपोज इस तरह से आपके पास में टू पार्ट बन जाएगी, इसी तरह से यहां पर बन जाएगा ये कार्बन फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास. तो होमोलिटिकल फिजन से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रेस्पेक्टिव एटम के वो उसके पास से ले जाते हैं, होमोलिटिकल फिजन से बनता है, इसे कहते हैं आप कार्बन फ्री रेडिकल. अब आप ध्यान से देखो, पहला पॉइंट हुआ इसका फॉर्मेशन, सेकेंड पॉइंट काउंट कीजिए, इट कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड हेंस टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन. इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट नॉट लुईस एसिड, बिकॉज इट डज नॉट गेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकती, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जरूर है बट लुईस एसिड नहीं. थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट्स ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड हेंस वी एज्यूम sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज 120 बॉन्ड एंगल ऑफ बिटवीन कार्बन कार्बन एंड द ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन प्रेजेंटिंग p ऑर्बिटल एंड द p ऑर्बिटल हैज डंबल शेप, देयरफॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट अबो एंड मे प्रेजेंट टू द ब्लो ऑफ द प्लेन. इस तरह से आपके पास में ये अबो भी हो सकता है और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को या जिसको आप ऑड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो ये ब्लो भी हो सकता है इस प्लेन के, sp2 है. थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहा हूं, इसमें ये जो कार्बन है 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. किस नेचर का रहेगा? पैरामैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगी ये स्पीसीज. नेक्स्ट पॉइंट कार्बन फ्री रेडिकल का, स्पिन मल्टीपल सिटी होती है 1 plus number of unpaired electron at the species. Therefore, its spin multiplicity is 2. ये आपके पास में इसका इंट्रोडक्शन. अब इसके टाइप्स एंड स्टेबिलिटी एंड रिलेटेड रिएक्शंस. तो ऑन द बेसिस, आप समझे ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ कार्बन एटम विच कैरी ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर नेम 3 टाइप्स, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. फॉर एग्जाम्पल, वेन फ्री रेडिकल प्रेजेंट एट द प्राइमरी कार्बन एटम, कई बार आप इसको सुपर प्राइमरी भी कह देते हो, जो अकेला भी हो सकता है और मैक्सिमम 1 कार्बन सेट है जो उनको कहते हैं प्राइमरी. तो इफ ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज प्राइमरी कार्बन एटम देन दे आर नोन एज प्राइमरी फ्री रेडिकल. सिमिलरली वेन ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट सेकेंडरी कार्बन देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड एस सिमिलरली वेन ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट टर्शरी कार्बन देन दीज फ्री रेडिकल्स आर नोन एज टर्शरी फ्री रेडिकल्स. तो इस तरह से हो जाएंगे टाइप्स. देन स्टेबिलिटी, अगली बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की. नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी. तो स्टेबिलिटी में अभी आपको बताया था
कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द कार्बन, देयरफॉर न्यूट्रल है वैसे ध्यान रखें बट इनकम्प्लीट ऑक्टेट, देयरफॉर दे रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड हेंस देयर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पर्टिकुलरली प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप समझना हाइपर कॉन्जुगेशन, ये मैंने आपको पिछली वाली जो क्लास थी नेक्स्ट लेक्चर था इससे पहले वाला प्रीवियस लेक्चर उसमें एक्सप्लेन किए थे। अब आप समझिए तो ये जो दोनों बात बोलेंगे इसके अंदर नो हाइपर कॉन्जुगेशन नो इंडक्टिव इफेक्ट, बट इन केस ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप एज वेल एज 3 अल्फा हाइड्रोजन 4 हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हेंस इथाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। सिमिलरली इन केस ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ध्यान से देखो इन केस ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल 2 प्लस आई इफेक्ट, प्लस का मतलब समझते हो ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मींस इट पार्शियली कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड हेंस स्पीशीज बिकम मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। तो 2 प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन 3 इस पर 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन एंड हेंस 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर देयर। सिमिलरली 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप मिथाइल एज वेल एज 9 अल्फा हाइड्रोजन, देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स इज लेस स्टेबल मिथाइल देन प्राइमरी, इसके बाद सेकेंडरी एंड सबसे हाईएस्ट स्टेबल कौन सा होगा आपके पास में टर्शियरी फ्री रेडिकल्स। ठीक है इसी तरह से और देखो कुछ, ये तो मैंने बात की एल्काइल फ्री रेडिकल्स की, नेक्स्ट अब आपको बताता हूं एलाइल फ्री रेडिकल्स, एलाइल ग्रुप भी ध्यान से समझिए एलाइल फ्री रेडिकल्स, ये आपके पास में साहब CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, इसको आप कहते हो एलाइल रेडिकल। ठीक है एलाइल फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन है प्राइमरी फ्री रेडिकल, ध्यान से देखिए प्राइमरी फ्री रेडिकल एलाइल में, नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ध्यान से समझना सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सिमिलरली एलाइल में ये आपके पास में हो जाएगा टर्शियरी एलाइल फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करें देखो एक बार ध्यान से। तो इसके अंदर पहली बात सबसे फर्स्ट पॉइंट दे शो रेजोनेंस, अब जब रेजोनेंस होता है ध्यान से समझना तो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट इफेक्ट इन कंपैरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज इन विच पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन डिलोकलाइजेशन, बट इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस एंड हेंस वी नो दैट सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, देयरफॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन इज वीक इफेक्ट इन कंपैरिजन टू रेजोनेंस इफेक्ट। एलाइल फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन एल्काइल फ्री रेडिकल्स, तो इसका जब आप रेजोनेंस बनाओगे होमोलिटिकल फिजन करना तो इस तरह से इसकी दो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनेगी एलाइल फ्री रेडिकल की, देखिए एक बार दो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, इट मीन्स एलाइल फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन एल्काइल, एक लाइन। अब फिर वापस समझो इस सेकंड की बात करता हूं, ये आपके पास में प्राइमरी ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, इसके अंदर रेजोनेंस तो है ही साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो 3 अल्फा हाइड्रोजन देयरफॉर सेकेंडरी फ्री रेडिकल एलाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सिमिलरली इन केस ऑफ टर्शियरी को देखिए रेजोनेंस एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर एंड हेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एलाइल फ्री रेडिकल इज ऑल्सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड दीज आर द मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू एल्काइल फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट बात करता हूं बेंजाइल फ्री रेडिकल्स की, देखो नेक्स्ट है बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये भी इसी तरह से आप तीन बोल देंगे, That one is benzyl, primary benzyl free radical. This is the secondary benzyl free radical. ध्यान से समझा And similarly, it is the tertiary benzyl free radical. स्टेबिलिटी में बताने की बात समझ लो एक बार ध्यान से, यहां पर भी ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंटिंग फॉर्म में शो करेगा, तो इसी तरह से मैं इसकी भी पांच रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखो इस बॉन्ड का होमोलिटिकल फिजन करूंगा, जैसे इस बॉन्ड का होमोलिटिकल फिजन करूंगा ऑड इलेक्ट्रॉन इस पे तो यहां तो बन जाएगा एक बॉन्ड, ध्यान से देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन इस जगह एक रेजोनेंटिंग, इसी तरह से इस बॉन्ड का होमोलिटिकल फिजन करो इसमें और इसमें दोनों के बीच में आप इस तरह से बॉन्ड बना देंगे ऑड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, फिर होमोलिटिकल फिजन कीजिए इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ये इन दोनों के बीच में आप बॉन्ड बना देंगे ऐसे और ये आपके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली वापस करो तो जिससे कैकुले स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपके पास में बॉन्ड और ये इस तरह से, तो टोटल मिला के देखेंगे तो 5 रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे एक बेंजाइल कार्बन फ्री रेडिकल की। ठीक है एंड हेंस जितनी ज्यादा आपको पता है रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं स्पीशीज विल बी मोर स्टेबल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है सभी,
तो बेंजाइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन एलाइल। अब इसमें भी ये प्राइमरी फिर ये सेकेंडरी और टर्शियरी, तो इसमें रेजोनेंस एक ही रिंग में इसमें दोनों में पार्टिसिपेट करेगा एंड हैज स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका भी यही रहेगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो इस तरह से ये थे आपके पास में फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी एक बार फिर समझा देता हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा ये इससे ज्यादा वो थे, इसके बाद में एलाइल देन एलाइल एलाइल फ्री रेडिकल, और इसके बाद में कौन होंगे आपके पास में एल्काइल फ्री रेडिकल। एल्काइल में भी आपको बता दिया था मैंने टर्शियरी वगैरह इस तरह से, फिर आप बोलेंगे एल्काइल फ्री रेडिकल्स, ये इनकी स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी तीनों में, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसमें भी टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और ये भी इसी तरह से टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी। ये हो गई थी आपके पास में टाइप्स ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल और एराइल फ्री रेडिकल्स, या इनको बोलते हैं एलाइल फ्री रेडिकल्स एंड देयर स्टेबिलिटी। अब इनकी रिलेटेड रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी रिलेटेड रिएक्शंस, ध्यान से देखिए बाप। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, ध्यान से समझे, सपोज ये फ्री रेडिकल है, पहली बात की इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट जरूर है बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल। किसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता हो, इसके पास पेयर गेन करने के लिए जगह ही नहीं है, पेयर गेन करने के लिए क्या होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल, दैट नॉट परसेस एम्प्टी ऑर्बिटल, एंड हेंस ये जो रिएक्शन करेंगे ये दो ही बात हो सकती है। क्या क्या बात हो सकती है वो समझना ध्यान से, एक तो ये खुद डाइमराइज हो जाए, डाइमराइज का मतलब जैसे फ्री रेडिकल एक और एक दूसरा और सॉरी दूसरा फ्री रेडिकल और, तो एक तो क्या मिलता है इनके अंदर डाइमराइजेशन, तो एक तो ये डाइमर हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन करते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तो डाइमराइजेशन होता है इनके अंदर, दूसरा इनमें डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, जानते हो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। देखो इधर ध्यान से, सपोज ये आपके पास में फ्री रेडिकल है, इधर देखना, इस बॉन्ड का होमोलिटिकल फिजन करो, इस बॉन्ड का होमोलिटिकल फिजन करेंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन, तो एक तो बन जाएगी आपके पास में एल्कीन, दूसरा मॉलिक्यूल और लाओ, दूसरा मॉलिक्यूल ये जो फ्री रेडिकल है उस सेकंड मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल पर अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो ये भी एक इनका खास फिनोमिना है, ये किसमें मिलता है आपके पास में फ्री रेडिकल्स में, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ कार्बन एटम। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट टेक्स प्लेस, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल इट चेंज इनटू एल्कीन। देखो इधर ध्यान से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, देयरफॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस। और तीसरी खास बात इनकी, थर्ड पॉइंट जिसे ये अपने स्टेबिलिटी ऑब्टेन करते हैं, दे रिएक्ट विद स्पीसीज विच कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना एल्केन वगैरह में आप पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल एल्केन से रिएक्शन कराए हेलोजन की, तो ये क्या है फ्री रेडिकल रिएक्शन बोली जाती है। तो इस तरह से आपके पास में फ्री रेडिकल्स है, तो तीन पॉइंट हुए, डाइमराइजेशन डिस्प्रोपोर्शियनेशन एज वेल एज दे कंबाइन विद स्पीसीज विच कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंड हेंस दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड मेक स्टेबल मॉलिक्यूल्स। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूंगा जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, देखो एक बार ध्यान से, तो तीन एग्जाम्पल देता हूं आपको जो जानते हो, जैसे एक तो मैंने अभी बताया एल्केन का हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब यहां पर मैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना नहीं है मेरा यहाँ पे काम, यहाँ पर केवल इतना बता रहा हूँ, इस समय मैकेनिज्म का अलग लेक्चर होगा, केवल इतना बता रहा हूँ साहब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। तो जैसे ही आप इसको या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालो या हीट करो, तो ये जो रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर्टिकुलरली क्या नाम है इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी इनिशिएशन स्टेप होता है, हेलोजन का बॉन्ड फ्यूजन होता है, इनिशिएशन स्टेप कहते हैं जिससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। एक फर्स्ट स्टेप है, इसका नाम है इनिशिएशन स्टेप। फिर उसके बाद में ये जो एल्केन है उस पर अटैक करता है फ्री रेडिकल, इसका भी होमोलिटिकल। आप एक बार ध्यान रखेंगे, एक बार स्पीसी जैसी बन गई, न्यूट्रल बन गई या फ्री रेडिकल या होमोलिटिकल फिजन हुआ, तो फिर पूरे प्रोसेस में होमोलिटिकल ही होगा, हिट्रोलिटिकल हुआ तो हिट्रोलिटिकल चलता रहेगा। तो होमोलिटिकल फिजन से एक मॉलिक्यूल तो बन जाएगा आपके पास में मिथाइल, एक तो HCl बन जाएगा जो स्मॉलर फ्री रेडिकल रहेगा, कंबाइन कर लेगा HCl और फिर आपके पास में बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। देन ये स्टेप हुआ इसका सेकेंड, फिर स्टेप थर्ड में ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये भी रिएक्टिव है, ये रिएक्शन करेगा फर्दर क्लोरीन मॉलिक्यूल से, क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद में बन जाएगा आपके पास में मिथाइल क्लोराइड एंड जनरेट क्लोराइड क्लोरीन फ्री रेडिकल। देन स्टेप
सेकेंड थर्ड, तो इस तरह से आपके पास में ये रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि पूरे मिक्सर में हेलोजन और मीथेन कंज्यूम नहीं हो जाते, यानी नेट रिएक्शन आ जाएगी। आप इन दोनों स्टेप को यदि ऐड कर देंगे तो इनको कहते हैं प्रोपोगेशन स्टेप। इनको क्या कहते हैं अपन, प्रोपोगेशन स्टेप। यदि टर्मिनेशन की बात की जाए तो जैसे भी फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी है रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, इसको कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। मे बी डाइमराइजेशन टेक्स प्लेस ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मे बी यानी जब भी आप देखो इन स्टेप, जो प्रोपोगेशन स्टेप को देखो, एक इंटरमीडिएट स्पीसीज जो बन रही है उसमें फ्री रेडिकल रहेगा, तो रिएक्शन चलती रहेगी कंटिन्यूअस रिएक्शन, यानी चेन रिएक्शन टाइप में, चेन टाइप रिएक्शन होती है ये। लेकिन जैसे ही फ्री रेडिकल आपस में, जो भी प्रोबेबिलिटी है वो आपस में मिल जाएंगे, रिएक्शन स्टॉप। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डाइमराइज हो जाएं, हो सकता है दोनों इस तरह के फ्री रेडिकल जुड़ जाएं, या हो सकता है दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर लें। तो जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी आपस में फ्री रेडिकल के कंबाइन करने की, रिएक्शन विल बी स्टॉप। इसको कहते हैं आप टर्मिनेशन स्टेप्स। तो एक एग्जांपल था जैसे आपके पास में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, क्या बनती है इसके अंदर, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। एक और देता हूं आपको, देखो इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे ये मेरे पास में प्रोपीन है, आप देखना ध्यान से, प्रोपीन इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन से, ठीक है, सॉल्वेंट डाल दिया जैसे CCl4, कुछ नहीं करना है, सिंपल एडिशन रिएक्शन होती है, ध्यान रखना एडिशन रिएक्शन, कोई भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन है नहीं, बस सॉल्वेंट डाल रखा था मैंने CCl4, तो आप क्या करते हो इसको एडिशन रिएक्शन, इट इज एडिशन रिएक्शन इस तरह से। अब यदि इसी रिएक्शन को, ध्यान से सुनिए, इसी रिएक्शन को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा दिया जाए तो अब ये एडिशन नहीं होगी, बट इट इज सब्स्टिट्यूशन, और पर्टिकुलरली क्या बनेगा, एलाइल क्लोराइड, इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और साथ में HCl। अब इसकी मैकेनिज्म बताता हूं आपको, देखो एक बार ध्यान से, तो हाई टेम्परेचर पर जो एल्कीन होती है, पर्टिकुलरली प्रोपीन और हायर, उसके अंदर होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल इज एन इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो आप देखो जब मैं इसका टेम्परेचर, इनिशिएशन स्टेप तो हेलोजन से ही होगा, ध्यान से सुनो, इनिशिएशन स्टेप में तो हेलोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ही होगा, जैसे आप टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, इसके फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के तीन तरीके हैं, ध्यान से सुन लो, जब टेम्परेचर मिलेगा तो इसके फ्री रेडिकल, एक तो ये पॉसिबल है, देखना आप, एक फ्री रेडिकल ये पॉसिबल, तीन जो पॉसिबल है वो बता देता हूं। एक फ्री रेडिकल जैसे बोलते साहब इसमें भी हो सकता है, चलो इसको भी लिख देते हैं, एक फ्री रेडिकल आपके पास में ये पॉसिबल है, ठीक है, इसका पाई बॉन्ड का फ्यूजन यदि हुआ एच तो उसके साथ चला जाएगा, एक ये पॉसिबल है फ्री रेडिकल, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ, और एक आपके पास में फ्री रेडिकल इसमें भी कार्बन पे भी आ सकता है, एक जो फ्री रेडिकल है एच यहां से चला जाएगा और आपके पास में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ये भी पॉसिबल है। देखो इधर ध्यान से, ये भी आपके पास में फ्री रेडिकल का पॉसिबल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब आप चेक करेंगे इसके अंदर, अच्छा यहां पर जो एच जाएगा ना, ध्यान से देखो, जैसे ये आपने हॉर्मोनेटिकल फ्यूजन किया तो एच तो यहां से चला जाएगा, ऐसा वाला फ्री रेडिकल, एक इस तरह से फ्री रेडिकल, और एक आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर रेजोनेंस है, ध्यान से सुनो, अल्टरनेट, मैंने आपको बताया ना कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम को फिर ध्यान से देखो, अनसेचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच्ड विद एटम विच कैरी डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, देयर सच टाइप स्पीसीज आर नोन एज कंजुगेटेड स्पीसीज एंड दे शो रेजोनेंस एंड एज मोर स्टेबल, कौन सा बनेगा आपके पास में फर्स्ट, फिर उसके बाद में अदर ये मॉलिक्यूल Cl2 से रिएक्शन करेगा और आपके पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एलाइल क्लोराइड। देयरफॉर द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन इज एलाइल फ्री रेडिकल, और रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह से यदि इस रिएक्शन की, एल्कीन की रिएक्शन करा दी जाए NBS से, NBS समझते हो ना, N-bromosuccinimide, वो भी यही रिएक्शन है, ध्यान रखना फ्री रेडिकल ही बनते हैं। देखिए एक बार और रिएक्शन, NBS N-bromosuccinimide, इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको, देखो ये है NBS, सक्सिनिक एसिड समझते हो, उसका अमाइड बना हुआ है, ये आपके पास में था सक्सिनिक एसिड, इसका मैंने ऑक्सीजन बाहर निकाल के अमोनिया से रिएक्शन करके अमाइड बना हुआ है, तो ये नाम है आपके पास में एन ब्रोमो, ये सक्सिनिमाइड, इसके एन को हटाकर क्या रिप्लेस कर रखा है, बीआर। अब इस कंपाउंड का नाम है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, तो जब आप इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तब भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है, यहां भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, ये जो कार्बन
ये जो बोरोन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम, इसलिए होमोलिटिकल फिजन होता है इसका। और जैसे ही होमोलिटिकल फिजन होगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेंगे आपके पास में, फ्री रेडिकल। फिर ये फ्री रेडिकल अटैक करेगा इस पे फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल अटैक करने के बाद में ये बन जाएगा आपके पास में एलाइन फ्री रेडिकल, स्टेबल था वो लाइन समझा दिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट ये इस मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करेगा, उसके बाद में एच यहां से बाहर निकलने के बाद तो ये बन जाएगा आपके पास में एनब्रोमोसक्सिनेमाइड ऐसे। फिर ये जब फ्री रेडिकल बनेगा फिर दूसरे फर्दर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, और जब फर्दर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो जो उसका बीआर है वो इससे जुड़ जाएगा यहां पर, इसलिए एलाइलिक ब्रोमाइड बन जाएगा। और फिर ये इंटरमीडिएट रिएक्शन चलते रहते हैं जिनको कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप्स। तो इस तरीके से कुछ ये मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट स्पीसीज थी, सारे पॉइंट आप ध्यान रखें, अगली क्लास में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।